वेख के तेरा चन, वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, वेख के तेरा चन, बोलो ना, वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, की मन गया अज ते तकिया है चन ने विचन आमना, वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, वेख के तेरा चन। हुण मैं हौली पढ़ना ते तुहाडी आवाज सुनण वास्ते पढ़ना। वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, वेख के तेरा चन। मैनू ना ही बुलाओ तो चंगा है, इस पास में नमना होने दो। मैं कई बंद ऐसे डंगर वेखे ने, जानवर वेखे ने, जेडे कुर्बानी वाले दिन शाम नू मंडी चो वापस घर आ रहे होंदे ने, विकदे नहीं। नहीं समझा तू गल? बड़े हसीन जानवर होंदे ने, बड़े संभे पले भी होंदे ने, पर शाम नू मूँह सुट के मालक दे नाल घर आ रहे होंदे ने। ते कोई माड़े माड़े जानवर जेडे नू विक जांदे ने, फरोख्त हो जांदे ने मंडी ते, की समझा इस गल चों? बस वो जिहड़े वापस आ रहे ने वो समझ जाते हैं कि मालक कबूल नहीं किया, असी रह गए। तो जिहड़े बंदे नबी की नात च ना बोल सकन, सुभाला भी ना कह सकन, दात भी ना दे सकन, वेल भी ना दे सकन, मैं खुद दावेदार इस गल कर रहा, ना समझे कि मैं पैसे तलब वास्ते गल करना पाया, बंदा समझे या तो फिर मेरा माल इस लायक नहीं कि नबी की नात कम नहीं आया, या मेरी जबान इस लायक नहीं कि सुभाला रब नहीं कह नहीं दिता, या मैं तवज्जो दा इस मैं मालक पसंद नहीं कर रहा, की गल है? लिहाजा हदफ नहीं है कोई दे, मैं किसी हदफ नहीं बना रहा, लेकिन मुआसबा करना चाहिए कि मैं नबी की नाते बैठा सा, मेरा की नहीं कम आया। लिहाजा जो कोई बंदा कवे, कहना भी नहीं चाहिए भी रल के पढ़ो, वो करो, ये करो, नहीं, अगर मुआसबा किया जाए तो वह जबान बड़ी अल्लाह को पसंद है जी नबी की नात पढ़ती है, तो जी सुबान लाख दी है, माशाला आख दी है। लोग इंतजामिया, मैं मेजबान हाँ, तो तुम पता जो बंद मैं जानते हैं मैं नाथ खान सुनता कि मैं सुन भी लेंदा हूँ, मैं कला भी सुन लेंदा हूँ, यह मसला ना सिंह लिया हुआ जे कि कल को पैसे की गल करता पे, मैं कहना इन्नी आवाम आई आती है, नबी सारा का सांझा है, सिर्फ इंतजामिया फरीदी साहब जिम्मेदार नहीं होंगी क्योंकि एक नाथ खान की खिदमत कर रही है, अगर हुब हो ना तो बंदा लैंड तोड़ के भी 10 रुपए दे जाता है, आवाम की उम्मत बैठी होंगी, ये नहीं को कहना की जिम्मेदारी सिर्फ समान लगन की होंगी है। मैं कहना जो कभी तौफीक हो, असी मस्जिद का चंदा करने हैं, जिमें यार उठियो सारे इंज कर दौ ताकि मस्जिद सारे शामिल हो जाए। एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई ना, तो रती ख्वाब आया मस्जिद अभी तेरा घर जन्नत बन गया, तो उन्हें सुबह मस्जिद ही शहीद करवाती, बंद ने उन्हें कहा तू एडी बनी बनी मस्जिद शहीद क्यों करवाई? कहना यार मैं अपना घर जन्नत वेख्या, तो मैं क्या भी होर तो बंदा ही नाल को नहीं, मैं क्या चलो हूँ इंज करो दोबारा शहीद कराओ तो सारे बंदे रल के बनाइए, सारे बंदे रल के बनाइए ताकि सब का जन्नत घर हो जाए। इस गल नूं कभी कोई बंदा नैगेटिव ना लवे, जिथे कभी जाओ जिनी तौफीक होवे। सरकार अपने नाथ खान नूं नवाजदे सन, उलमा कोल सुन लवे, तकरीर सुन लवे, लेकिन कोशिश की करो जरूरी कि मजमे का हिस्सा ना बन के रह गया करो, तौफीक होवे तो जिन्ना हो सके हजूर की सुनत यह भी अदा की करो, नबी की सुनत है ना अपने नाथ खान नूं नवाजना। और कभी भी ना समझना कि मैं सिर्फ इस वास्ते कह रहा कि शायद हाकम साहब नूं कोई मसला सी, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी हजूर की कदा है, मैं जी तुम समझाई है जिन्ना को हो सके। इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होती, तो अपना शौक होंगे ठीक उन्होंने मसला है, लेकिन अगला शेर सुनो जरा, मैं शेर पढ़िया, वेख के तेरा चन, चन गया आप मन, बदल खामोश हो गया, थोड़े बोलारे की आवाज आनी चाहिए, सुनना चाहता ना हुण जरा मिसरा सुन दे नाल पढ़ जे पढ़ सकना है तां, नबी दा हुसन पढ़दा पिया मैं, कोई आम गल नहीं करदा पिया। हाँ वेख के तेरा
चन वेख के तेरा चन चन गया आप मन वेख के तेरा चन चन गया आप मन की मन गया अज ते तक आ ए चन ने बिचन आमना वेख के तेरा चन चन वेख के तेरा चन वेख के तेरा चन चन के आया आप मन अज ते तक आए चन ने भी चन आमना मैनू इस दी लगन ए दी वखरी फबन पढ़ लिखा बंदा सवाल लगेगा मैनू इस दी लगन ए दी वखरी फबन पहली बारी शेर इस्तेमाल करना पया ए ते खुद है हुसन दा हुसन आमिना वेख के तेरा चन चन वेख के तेरा चन पजो रखण दरा मैं एक मिसरा पढ़ लिया या रसूल अल्लाह या वाह वाह इफ्तिखार भाई तुसी गवाह हो इस गल दे अलामा सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा जानदा हाथ चुक सुभान लगो वे जिहड़ा अलामा सय्यूती रहमत अल्लाह जानदा है अगर कोई उलमाए कराम मौजूद होने ते दुआ लेना चाहना उन्होंने को ऐसा अलामा होया ऐसा खुशबख्त इंसान होया कायनात पहले जिन्होंने बहुत किताबा लिखिया इन्होंने ख्वाब ते हुजूर कई वाली मिले लेकिन मुख्तलिफ रवायात है कोई 14 दफ़ा कहता है कोई 24 दफ़ा कहता है कोई 40 दफ़ा कहता है कि हुजूर ने इन्होंने बेदारी दे आलम की ज़ियारत करवाई अलामा सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह इन्हें तो किसी ने पूछा हजूर तुहानू इन्ना मकाम कितों मिलया कि तुहानू हजूर ने बेदारी दे आलम ज़ियारत अता फरमाई है तो इन्हें क्या मैं बड़ा कुछ लिखया बड़ा अहादीस के तर्जमे किए बड़े कुतब लिखिया लेकिन मैं आका दे वालदैन की अजमत ते 10 किताबा लिखिया ये एजाज मैंने तो मिले जो नबी दे वालदैन का हया करता है अजमत बयान करता है और हजूर दे वालदैन का गुलाम है वह बंदा मेरे नाल मिल के पढ़े सिज्जे दा आमना दा जिक्र आखिर लफ्ज़ आमना आ रहा है हाँ मैनू इस दी लगन ए दी वखरी फबन ए ते खुद है हुसन दा हुसन आमना मैनू इस दी लगन लगन चन कह लगा तेरे वर्गी किसे दी ते किस्मत नहीं तेरे वर्गी किसे दी ते अजमत नहीं तू मुहम्मदी मां तू मुहम्मदी मां वजू है नहीं ये वजू है बोले तुम मुहम्मदी मां आख दा कुल जहां तैनू मिलिया ए रब दा सजन आमना वेख के तेरा चन तेरे वर्गी किसे ते किस्मत नहीं हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहता के पता लगे तू गवाही दे रहे हैं तेरे वर्गी किसे दी ते किस्मत नहीं तेरे वर्गी किसे दी ते अजमत नहीं तू मुहम्मदी मां
दिमा आख दा कुल जहां तू मुहम्मदीमा आख दा कुल जहां तैनु मिले आए रब दा सजन आमना देख के तेरा चल देख के तेरा चल तैनूं मिलिया ए रब दा सजन आमना वेख के तेरा चल मुस्तफा मैं पढ़ना है अल्लाह की कसम किसी शायद मुआवजा नहीं हजूर तो उसने किया इसका यह सिर्फ चस लेनी गल नहीं चन कह लगा शब्द हनेरे बने एदे मुख दे सवाली सवेरे बने एदे मुख दे सवाली सवेरे बने मैं तुहानू मन जावांगा जे तुसी ना बोले फुलने राह विच खड़े फुलने राह विच खड़े शम्स का सा फड़े फुल ने राह विच खड़े शम्स का सा फड़े इलम वाला समझेगा वंडे कदमा दा धोमन जदन आमना देख के तेरा चल चल बोलो ना एक के तेरा चल चल गया आप मैं अज ते तकिया ए चन ने विचन आमना देख के तेरा चल उची कह लो उची कह लो जेड़ा खुद भी जिंदा है ते नबी नू भी जिंदा मनदा है तू मुहम्मदीमा जेड़ा चांदा को दी मां बख्शी जावे जरा रख कह छड़े तू मुहम्मदीमा ਅਨੋਖੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜੇ ਨਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾ ਲੈ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪਈ ਹਲੀਮਾ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਾਡਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਾਡਲਾ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸਾਧੂਆ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਾਡਲਾ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸਾਧੂਆ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦਾ ਰਵੀ ਇਹ ਵਤਨ ਆਮਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚਰਨ ਚਰਨ।